गाइस कैसे हो? जैसे हो बढ़िया हो, मुझे पता है आप जहाँ भी रहते हो बढ़िया रहते हो और चंगा रहते हो। भाई आज का जो मैच है वो प्रीलिम्स स्टेट 2 का है, जो कि आज सैनोक के मैप में होने जा रहा है। तो गाइस ये सैनोक का मैप है, तो काफ़ी सुंदर सा यहाँ पे ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अपना स्लॉट में नहीं था इसलिए निकला। 18 नंबर तो चलते हैं गाइस, अब देखते हैं कि शायद पहले तो लड़ाई होनी चाहिए बूट कैंप में, क्योंकि बूट कैंप यहाँ का हॉट स्पॉट है। जी हाँ, यहाँ पे हॉट ड्रॉप बूट कैंप ही होता है। तो देखते हैं कि हॉट ड्रॉप यहाँ पे कौन कौन लेने जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे 16 नंबर की टीम जो है वो 20 नंबर की टीम को पूरा सल्टा देता है। फाइट 24 नंबर टीम और 16 नंबर टीम के बीच में है। इतने में हॉक काल की टीम भी आ जाती है और 24 नंबर टीम पर पुश कर देती है। तो चले आते हैं हम सामी के पास, जहाँ पे दो टीम आपस में फाइट लेते हुए दिखते हैं, जहाँ पे टीम एमटीआर पिट्टू है और यहाँ पे हॉक किंग की टीम है। अबे महाकाल का टीम भी घुस रहा है। एक बंदा वो नॉक कर चुके हैं, बट ऐसा लग रहा है कि वो अब ओपन में है। अबे महाकाल का टीम ले लिया। तो चले आते हैं हाथीन के पास, जहाँ पे डिवेन की टीम है और अंशु की टीम है। तो यहाँ पे डिवेन की टीम शायद अंशु का एक बंदा को स्पॉट कर चुका है, अब देखते हैं वो करता क्या है। तो भाई यहाँ पे डिवेन की टीम जो है अंशु की टीम पे क्लच कर लेता है काफी अच्छी तरह से। बूट कैंप के पास किसी टीम ने फ्लेयर चलाई है, तो शायद हॉक कॉल की टीम ने उसे स्पॉट कर लिया है कि फ्लेयर कहीं से चली है। तो वो लोग उस तरफ रश करते हुए आगे बढ़ते हैं, बट इनके पास अभी गाड़ी नहीं है, ये पैदल ही भागते हैं। प्लेयर गिरा है तो तीन नंबर टीम है यहाँ पे। तीन नंबर टीम कौन है भाई?
तो जैसा कि पायनान में बहुत प्रीतम की टीम ने एक फ्लेयर ड्रॉप मंगवाई है, तो यहाँ पे वो फ्लेयर ड्रॉप लूटने लगते हैं, शायद लूट भी लेते हैं। और अभी तक वो बंदे जो है हॉक काल की जो टीम है वो अभी तक पहुँचे नहीं है पूरी पूरी तरह। नॉक है, दो बंदा अबे लेता है। हम कैमरा कहाँ घुमाए? बचा लिया उसको शायद। तो भाई यहाँ पे हॉप काल की जो टीम है वो काफी अच्छी तरह से फाइट लिए और बॉट प्रीतम की टीम का पूरा खात्मा करते हुए वो शायद अब यहाँ से निकल रहे हैं। हमारे में हॉक सैम की टीम जो है वो बंदों से लड़ते हुए यहाँ पे 8 नंबर टीम को पूरा फिनिश करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बंदा बच जाता है। सामने 23 नंबर की टीम है जो कि क्लीनर का टीम है और वो आ रहे हैं जोन से भागते भागते। तो भाई क्लीनर का एक बंदा नॉकआउट हो जाता है यहाँ पे केजीएफ सोनू, और दूसरा बंदा शायद ये डिसाइड करता है कि अब उसे जोन पे जाना चाहिए। तो जोन पे भी जाने के बाद यहाँ पे बंदा स्पॉट हो जाता है हॉक काल की टीम के द्वारा। हाँ यहाँ पे लाल लाल दिखेगा। हाँ एक एक का टीम है यहाँ पे। 23 नंबर टीम जो क्लीनर का था उसका हो गया सफाया। अब चलते हैं आगे। यहाँ पहुंचा तो देखा कि डीपीएन क्लैन के बंदे जो है वो हल्क संजय पे वो फायरिंग किए जा रहे हैं, यहाँ पे नॉकआउट भी कर चुके हैं।
और फाइनली संजय का किल कंफर्म करते हुए वो शायद अब आगे बढ़े और एक बंदा बच गया है जो कि है फलक साहनी। शायद वो जोन पे शायद मारा जाए या फिर वो जोन से निकलने की कोशिश करे। पर जोन अभी उतना हार्ड नहीं बना था तो फलक साहनी ये डिसाइड किया कि शायद ये जोन को चीरते हुए वो आगे निकल जाए, किसी तरह से बच जाए तो आगे वो और भी कहीं किल करने का मौका मिले, वो किल कर दे। नॉकआउट दिया ये लोग। आते हैं एके की टीम, देखते हैं एके की टीम यहाँ पे क्या करती है, क्योंकि चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। उसके एक तरफ रिस्क की टीम है, दूसरी तरफ गटका की टीम है और तीसरी तरफ लॉस्ट वायरस यानी डीबिन की टीम है। तो देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। तो यहाँ पे एक एक टीम जो है वो रिच की टीम पे पुश करने की सोचता है और कर देता है। हो जाता है यहाँ पे हॉक रिट्स का टीम का खात्मा हॉक एके की टीम के द्वारा। अब वो लोग भागते हैं जोन पे, तो शायद जोन पे जा नहीं पाए सर्कल पे और आगे डीबीएन की टीम जो है 12 नंबर टीम का एक बंदा को पूरा पूरी किल कर देता है। यहाँ पे हॉक सैम स्नाइपिंग करते हुए डीबीएन का एक बंदा को कर देता है नॉकआउट, बट वो हो जाते हैं रिवाइव। भाई साहब ये जंगल है और जंगल में सिर्फ शेर ही राज करते हैं। अच्छी स्नाइपिंग। लॉस्ट वायरस जो कि डीबीएन की टीम की है वो ओम से जो है अच्छा शॉट देता है, बट वो बॉडी शॉट लग जाता है। तो कोई बात नहीं, काफी अच्छी कोशिश थी यहाँ पे, उनके पास अच्छा स्कोप रहता तो शायद यहाँ पे हेडशॉट हो सकती थी लवर का। तो 3x के साथ जितना मारा बहुत ही बेहतर था। टीवन की टीम सामने स्वांगी की टीम को स्पॉट कर लेता है, तो शायद यहाँ पे जोन पे भागता हुआ स्वांगी की टीम शायद पहुंच नहीं पाए। चलिए देखते हैं। वायरस अपना स्प्रे देते हुए यहाँ पे काल को कर देता है नॉकआउट। गेम काफी क्रूशियल मोमेंट पे है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब गेम आ गया है 2v3। तीन बंदे अभी डीवीएन क्लैन के हैं और यहाँ पे दो बंदे बाकी है हॉक क्लैन के। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। Oh my.
रोमांचक मैच था ये, कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे मेरे पास। कोई नहीं, चलिए आज का रिजल्ट देख लेते हैं यहाँ पे। और अगर ऐसी वीडियो आपको देखना है तो जुड़े रहिए हमारे ब्लैक हॉक गेमिंग के साथ, और प्लीज़ हमारे चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तभी सब्सक्राइब कीजिए। भाई काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ तो भाई अपने इस भाई की सपोर्ट ज़रूर कर देना, कोशिश करते हैं कि कुछ करने का, बट होता क्या है ना कि यहाँ पे उल्टा ही हो जाता है कि कुछ होता नहीं है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दो हमारे चैनल को, ताकि ये चैनल थोड़ा सा ग्रो कर पाए। थैंक यू। डीवीएन भी अच्छा उठाया।